दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ, एसबीआई का। आज हम जिस म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, अगर ये कोई म्यूचुअल फंड लेता है तो 100 तो नहीं कह सकते हम, मतलब 95% वो अमीर जरूर बन जाएगा, 5% की कमी रहेगी। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज तक मैंने किसी भी बंदे को ये नहीं सुना म्यूचुअल फंड करते हुए कि मेरे पैसे डूब गए, खराब हो गए, खत्म हो गए। तो इसलिए हम इस बात में श्योर करते हैं, मार्केट रिस्क जरूर है। मार्केट रिस्क जो है ना, वो खतरनाक है। अभी जो मार्केट रिस्क चल रहा है, आज करीब करीब 26 तारीख हो चुकी है, 26 तारीख को मार्केट और गिर गया। अब गिरते हुए मार्केट में क्या करें हम? एसआईपी करें। ये एसआईपी सिस्टम ऐसा है, जब गिरोगे तो कम यूनिट में पैसा यूनिट मिलेंगी, फिर अगर मार्केट ऊपर होता है तो महंगी यूनिट मिलेंगी। यूनिट का ही सारा खेल है। यूनिट मतलब नेट एसेट वैल्यू, जो सिक्के खरीदते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड के मान लो 10 ग्राम लेना है हमें, तो 60,000 रुपये देना पड़ेगा, 1 ग्राम का 6,000 रुपये। वैसे ही हमें ये सिक्के खरीदने हैं। अब सिक्के खरीदने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? म्यूचुअल फंड में जाना पड़ेगा, एसआईपी करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर कोई सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करता है तो वो मेरी नजर में, अगर कोई गरीब आदमी है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आज से ही आप एसबीआई का सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है एसबीआई स्मॉल का फंड, पैसे लगाने स्टार्ट कर दो। अगर हमने इधर उधर किसी की बात सुनी, जो बेस्ट टाइम है वो अगर निकल गया, फिर कोई फायदा नहीं होगा। म्यूचुअल फंड में अगर आप आना चाहते हो, एसआईपी करना चाहते हो एसबीआई की, तो कम से कम भी 25 साल का टारगेट मान के चलो। उस 25 साल के बाद में आपके जितने भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो जाएंगी, क्योंकि आज जो वीडियो बताऊंगा इसमें करीब करीब केवल 2,000 रुपये जमा करके 4 पैसे बनते हैं। ये पूरी वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। इसकी शुरुआत देख लेते हैं, 29 जून 1987 को स्टार्ट हुआ था। एनएवी की बात करें, नेट एसेट वैल्यू 146 रुपये आज की डेट में ये मिल रहे हैं। रेटिंग की बात करें 3 स्टार है। फंड साइज की बात करें, 21,319 करोड़ रुपए का फंड साइज है। जब मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी, जब ये करीब करीब 20,000 था, अब 21,000 करोड़ हो गया है। अभी मेरे को करीब करीब 6-7 महीने हुए हैं स्टार्ट करे हुए, उसके बावजूद ये इतने दिन में 1,000 करोड़ और ऐड हो गया इसमें। कई लोग कहते हैं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, खराब तो नहीं हो जाएगा। सर, उनकी बातें बिल्कुल भी मत सुनिए। अगर आपने जहन दिमाग में अपने जहन में डाल लिए बात, तो आप नेगेटिविटी हो जाएगा। आपके परिवार में किसी ने एलआईसी करवा रखी होगी, ठीक है, एलआईसी करवा रखी होगी, या फिर आरडी, एफडी या पीपीएफ, कुछ भी करवा रखा होगा। मैं ये नहीं कहता, इसमें ईपीएफ भी है, सुकन्या योजना भी है, सब सरकारी स्कीमें हैं, कंफर्म है। यहां पे भी होती है, एसबीआई बैंक में होती है, ये भी एसबीआई बैंक में होती है। चुनना क्या है हमें? ये सारे के सारा एक तरह हमें बताया जाता है, ये पुरानी स्कीमें हैं जो बिल्कुल सही हैं, राइट है। इनमें करीब करीब 8% से ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, 8.5 मिल जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और जो महंगाई है वो 7% के करीब है। यही जो देने वाली बात है, यही समझने की बात है। अब आप सोचो, आरडी, एफडी, एलआईसी, पीपीएफ, ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या योजना, ये जितनी भी स्कीमें हैं सरकार करती है। सरकार के पैसे, आपका पैसा सरकार अपने पास रखती है, उसके बाद इन पैसों का इतना ब्याज क्यों देती है? ये ब्याज इसलिए मिलता है क्योंकि आपके पैसे को शेयर मार्केट में यूज किया जाता है। अगर ये यूज नहीं करेंगे तो आपको 8% कहां से देगी? सरकार घर से देगी क्या? या कोई भी चीज, मानो कोई भी बंदा अपने घर से कुछ भी सामान नहीं देता, वो कहीं ना कहीं उस चीज का यूज करेगा, उसके बाद ही उस पैसे से पैसा बनाएगा और वो ब्याज आपको देगा।
आप ये देखो, आपकी फैमिली में आरडी एफडी एलआईसी वगैरह करवा रखी होगी। मैं ये नहीं कहता ये बुरी स्कीम है, अच्छी स्कीम है, सरकार की स्कीम है। स्टैंप पैड पे लिख के देते हैं कि आपको इतना ब्याज मिलेगा। हम जो बता रहे हैं 25% ब्याज के करीब आल रिटर्न दे रहे हैं एसबीआई का। सेम स्कीम ये भी गवर्नमेंट की है, ये गवर्नमेंट की ना हो गई, ये शेयर मार्केट की है। ये डायरेक्ट आप अपने लिए खरीद सकते हो, एसबीआई बैंक में जाके ये भी मिलेगी। अब फर्क क्या है? फर्क ये है कि आप डायरेक्ट रिस्क ले रहे हो, यहाँ पे रिस्क आपका सरकार ने ले लिया और आपको 8% 7% जो भी ब्याज आपका बना वो आपको साल के एंड में या 5 साल के एंड में 15 साल के एंड में जितने भी साल आप स्कीम लोगे उसके बाद आपको मिल जाएगा। अब ये चीज जो ये जो रिस्क आप नहीं ले रहे हो सरकार ले रही है, वही रिस्क यहाँ पे 56 कंपनियों में हमारा है, खुद का रिस्क है। कई कहते हैं सर पैसे डूब जाएंगे, सर कोई बड़ा ही परमाणु बम गिर जाए तो बात अलग है, वरना पैसा आपका हिलने वाला नहीं है। मार्केट रिस्क तो हर जगह पे है। अब हमें बताइए, हम 500 रुपए की दिहाड़ी के लिए कहीं दिहाड़ी करने जाते हैं तो हमारा खुद का रिस्क है, पहुंचे तो दिहाड़ी मिली नहीं तो जयराम जी की, क्या करोगे? रिस्क खुद ही लेना पड़ेगा। 56 कंपनियों में से 4 के नाम बताना चाहूंगा आपको। निफ्टी बैंक है 8.32 के करीब, ब्लू स्टार है 3.86 के करीब, फिनोलेक्स है 2.46 के करीब, वी गार्ड है 2.45 के। अब आप देखो ये बैंक है, ब्लू स्टार एसी बनाती है, फिनोलेक्स केबल बनाती है, वी गार्ड पंखे बनाती है, ये अपना काम कर रहे हैं तभी मार्केट ने इनके ऊपर पैसा लगा रखा है। आप ये देखिए कि बैंक कभी बंद नहीं होता, अब एसी कभी बंद नहीं होते, केबल जो लगती है आपके घर में फिनोलेक्स की या जिस भी कंपनी की आप लगाते हो, केबल कभी बंद होगी क्या? वी गार्ड पंखे, मतलब ये सामान बिकेगा तो हमारा जो पैसा लगा हुआ है वो भरेगा, इतना इतना परसेंट इनमें लगा रखा है। आप ये देखिए, जो लोग ये कहते हैं, ये उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, पूरा आदमी के लिए जो ये सोचता है कि उसके पैसे का कभी भी अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। और एक बात और मैं बीच में बताना चाहूंगा आपको, कई लोग है ना लोन ले लेते हैं, लोन मत लो, ये परिभाषा लिख लो आप, अगर ले रखा है तो रिक्वेस्ट है उसको जल्दी से उतारिए। और क्रेडिट कार्ड है वो इशू मत करवाइए कभी भी। क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक से फोन आएगा, लोन के लिए बैंक से फोन आएगा। आपको कभी ये फोन आया कि कभी आपको करोड़पति बनाने के लिए कोई स्कीम आप आ जाओ? नहीं आएगा। खुद को ही सोच के देखना पड़ेगा मार्केट में कहां ऐसी जगह लगाऊं जहां करोड़ रुपए बन पाए। तो हम 56 के ऊपर थे, कंपनियों के नाम बताए मैंने, 56 कंपनियां हैं, यही शेयर मार्केट में कंपनियां लगती हैं, इन्हीं से पैसा मार्केट से बनता है, इन्हीं से हमें पैसा मिलता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.68 के करीब है, एग्जिट लोड की बात करें 1% है, एक साल से अगर पहले पैसे निकलो, एएम की बात करें तो 8 लाख करोड़ के करीब है। रिटर्न देख लेते हैं 25.24 है, आर रिटर्न 5 साल का देख लेते हैं 23.90 के करीब है, 3 साल का देख लेते 31.53 के करीब है। मंथली आप 2000 रुपये जमा कराइए सर, आपके बच्चे के नाम, अगर बच्चा पैदा हुआ है या फिर आपकी रिटायरमेंट के 25 साल पड़े हैं तो 25% रिटर्न मार के चलते हैं हम आर रिटर्न, क्योंकि 25 साल पे 15 साल के बाद में मोस्टली 25% रिटर्न आने लगता है। 25% रिटर्न मान देते हैं, 25 ही साल लगाए, 6 लाख रुपए आपने लगाए और आपको मिल गए 4,75,00,000 रुपए। क्या पूरे जीवन काल में 4,00,00,000 रुपए मिल पाएंगे क्या? आपने आरडी एफडी एलआईसी पीपीएफ ईपीओ कहीं लगा रखे होंगे, कैलकुलेशन मारिए 2000 का 25 साल के लिए नहीं मिल पाएंगे। तो कोई ऐसी स्कीम आए जिसमें हम लगा पाए, उसका नाम है एसबीआई स्माल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। एसबीआई की स्कीम है, एसबीआई बैंक में जाइए, एसबीआई बैंक मैनेजर से बात कीजिए, बोले जी 25 साल के लिए पैसा लगाना है। और ये समय सही है लमसम के लिए, मार्केट गिरा हुआ है, पर एसबीआई स्माल कैप में 5 लाख से आप कम में नहीं डाल सकते, तो आप कंटिन्यू एसआईपी करते रहिए। अगर कंटिन्यू भी करते रहोगे तो भी आप आराम से 1-2 करोड़ को छू लोगे। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।